Tell her, Rani. Yeah, I'm telling her that. No, but she's here. Tell Where? Her. Where is she? Is she here? Tell Shut her. Shut up. She's here. No, no. Oh my God. ये पल ऐतिहासिक है और मैं आपसे कहना चाहूँगा क्यों है। बहुत बार हमारे सिनेमा में लाइफ स्टोरीज, ट्रू लाइफ स्टोरीज दर्शाए गए हैं, लेकिन हमेशा जो भी वो इंसान है जो जीवित है, उनकी मुलाकात हमेशा हुई है उस आर्टिस्ट के साथ जिन्होंने वो किरदार निभाया है। ये शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि रानी मुखर्जी ने ये किरदार निभाया है मिसेस चैटर्जी का, लेकिन उन्होंने कभी पर्सनली उनकी मुलाकात सागरिका से नहीं हुई थी। तो यू आर ऑल्सो वेरी क्यूट, डोंट वरी। एंड यहाँ इन दोनों को मिलाना, थैंक यू टू एम ए, टू जी, एंड लाइक ऑल ऑफ यू टू क्लैप फॉर सागरिका, शी इज द ट्रू हीरोइन, हाउ शी फॉर हर चिल्ड्रन। सागरिका, आपको जब आपको अपनी जिंदगी की कहानी दिखाई गई तो हमने आपका रिएक्शन देखा, लेकिन आप कुछ कहना चाहोगे कि आपकी वो फीलिंग क्या थी? एक्चुअली मेरे साथ जो हुआ है, एक्चुअली जब मेरे बच्चे को उधर से उठा ले गई थी, जो रिएक्शन रानी मैम ने दिखाया, वो मेरा पुराना याद पूरा वापस आ गया। और सबसे बड़ी बात ये मैं बोलना चाहती हूँ, एक मम्मी के लिए एक बच्चा सब कुछ है, और रानी मैम पूरी तरीके से उसको निभाया, और फिल्म ने जो भी दिखाया गया वो बिल्कुल सही है। और आई डोंट हैव एनी वर्ड्स एक्चुअली, बिकॉज रानी मैम इज़ पोर्ट्रेटिंग माय कैरेक्टर वेरी ब्यूटीफुली, वेरी ब्यूटीफुली। इवन मैंने जब ये फिल्म देख रही थी, मैं इतना इमोशनल हो गई थी, तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या बोलूं। मैं उसके अंदर में घुस गई, ऐसे लग रहा है कि मैं दौड़ रही हूं। और मैं ये जानना चाहूंगा कि आप अभिज्ञान और ऐश्वर्या को ये फिल्म, आपके जो दोनों बच्चे हैं, आप कब दिखाना चाहोगे? मैं तो दिखाऊंगी, दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि पता नहीं है वो बच्चे भी रोएंगे देखने के बाद। नहीं, हम नहीं चाहते कि वो रोए। इनफैक्ट उनके लिए ये एक वाकई एक बहुत गर्व की बात है कि उनके घर में ऐसी एक माँ है जो आप हैं। आपको बहुत तहे दिल से हम शुक्रिया भी करना चाहते हैं, और आपको सम्मानित भी करते हैं, और आपको ये कहना चाहते हैं कि ऐसी माँ हर किसी बेटे को जन्म। थैंक यू करण सर। और मैं रानी से आखिर में ये कहना चाहूँगा कि रानी ने जिस तरह इस किरदार को दर्शाया है, निभाया है, बहुत कम एक्टर्स होते हैं जो आँखों से, दिल से, अपने पूरे जिस्म को उस परफॉर्मेंस में डाल देते हैं। और रानी, जो यू हैव डन, यू जस्ट ब्लू माई माइंड एज ए फिल्म मेकर। छोटे थे, मैं कुछ कुछ होता है देखा था, तो रानी मैम कुछ कुछ होता है या गुलाम। आप तो कितने छोटे थे? क्लास 10 में पढ़ते थे, क्लास 10 में। हाँ, मैं भी क्लास
क्लास 12th में पढ़ती थी तब। सेम एज का है, थोड़ा चार पाँच चार साल का इधर उधर है। मैं 40 अभी 40 इयर्स का मदर हूँ। तो वही मैं बोलना चाहती हूँ, ये बोलना जरूरी था ना, बोलना जरूरी है। आपकी तारीफ कर लिया, फिर देखो आपने हमारी उम्र का आईना हमें दिखा दिया। हाँ थोड़ा बोलना चाहिए, क्योंकि मेरा सबसे फेवरेट एक्ट्रेस जो है रानी मुखर्जी, वो मेरे किरदार सच में निभा रही है। ये मेरे लिए एक बड़ा चीज़ है, मैं कभी सोच भी नहीं सकी, जिसको मैंने फिल्म में देखा वो आज मेरे सामने है। ये मेरे लिए एक बड़ा चीज़ है, मैं मरते दम तक नहीं भूलूँगी। थैंक यू सर, ये आपके लिए और आशीमा मैम।